बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमतौर पे हम ये सोचते हैं कि हाउ कैन आई सिंगल हैंडेडली चेंज द सिस्टम। मैं अकेला आदमी, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है कि जी मैं एजुकेशन या ट्रांसपोर्ट सिस्टम या हेल्थ या जो एक इस वक्त नेशनल स्पिरिट जो बहुत नीचे गई हुई है, मैं अकेला आदमी उसको कैसे चेंज कर सकता हूँ। नॉर्मली ये हमारी सोच होती है और कंक्लूजन हम ये लेते हैं कि जी चूंकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है लिहाजा मैं कोई मेजर चेंज लेके नहीं आ सकता। पाकिस्तान इमेज बिल्डिंग फोरम की जो कैंपेन है जिसका नाम स्पिरिट ऑफ पाकिस्तान है, वो है ही यही कि आई विल चेंज पाकिस्तान एंड आई एम द स्पिरिट ऑफ पाकिस्तान। बात यह है कि जब हम में से किसी को कोई प्रॉपर्टी का कोई मसला पड़ जाता है या कोई कारोबार में कोई तकलीफ कोई मसला आ जाता है या कोई बुजुर्गों में से माँ बाप में से कोई किसी की बीमारी का कोई मसला कोई बच्चों की तालीम के मुतल्लिक कोई फैसला या इसी किस्म के कोई और सोशल इश्यूज जब हम ज़ाती तौर पे फेस करते हैं तो उस वक्त हम बिल्कुल ये इंतजार नहीं करते कि कोई खमीनी या कोई इमरान खान आएगा और वो आके इन मामला का हल निकालेगा। उस वक्त हम अपनी अकल और अपनी अवेलेबल रिसोर्सेज को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करते हैं और हमारी यही कोशिश होती है कि हम इस मसले से अपने आप को खुद निकाल लें। सिमिलरली जो हमारे मुल्क के जो हालात हैं, जो हमें रोजाना ऐसी परेशानियां और एक मुल्क के बारे में एक बुरी खबर या बुरे हालात के बारे में हम परेशान रहते हैं, ये कैसे मुमकिन है कि वहां पर हम अपनी अकल को या जो कोई भी हमें अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल ना करें और ये समझें कि ये खुद बहुत हल हो जाएंगे। आप और हम पाकिस्तान इमेज बिल्डिंग फोरम के जरिए से क्या तब्दीली लेके आएंगे, क्या तब्दीली लेकर आ सकते हैं इंशाल्लाह। नंबर एक बात तो यह है कि हम अपने दोस्तों, अपने खानदान, अपने कारोबारी हलकों, अपने कॉलेजेस और अपने मिलने जुलने वाले लोगों की स्पिरिट और उनका मोराल बुलंद करेंगे, इस पर काम करेंगे। होगा कैसे? पहली बात नंबर एक ये है कि हम उनको पाकिस्तान के एसेट्स, पाकिस्तान के रिसोर्सेज जो कि जिनकी वैल्यू इस वक्त 10 ट्रिलियन डॉलर्स यानी 10,000 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं। इस पर हमारे दोस्त अबराज शेख साहब की एक अलग टॉक है, आप जरूर उसको देखिएगा। तो हम अपने दोस्तों को इन सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, सबसे पहले उनका मोराल बुलंद करने के लिए। मैं आपको मिसाल देता हूं कि जब हमारे किसी दोस्त को कारोबार में कोई नुकसान हो जाता है तो हम उसके साथ ये बात नहीं करते कि लो यार तुम्हारा तो पट्टा बैठ गया है या अब तुम्हारा क्या बनेगा यार, तुम्हारा तो इतना नुकसान हो गया। इस सिट विद हिम और हम उसके साथ पुरउम्मीद बात करते हैं। हम उसको बताते हैं मिसाल के तौर पर ये कि तुम्हारे यार दो जवान बेटे हैं, इंशाल्लाह वो मेहनत करेंगे और तुम्हारे हालात ठीक कर लेंगे और तुम लोग एक दफा से फिर अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। या उससे ये बात करते हैं कि यार तुम्हारे पास अल्लाह ताला ने तुम्हें अपना घर दिया है, ऐसी और मटेरियल चीजें दी हैं जो और बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, तो इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं, तुम एक दफा फिर अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल हो जाओगे। तो सिमिलरली सबसे पहले हमें अपने दोस्तों को, अपनी फैमिलीज में उनको ये बताना है कि पाकिस्तान का जो ये इमेज है कि हम एक बहुत कोई गरीब मुल्क है, ये कतई दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान के पास ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसके अंदर कोल भी है, जिसके अंदर सॉल्ट भी है, जिसके अंदर गोल्ड और कॉपर भी है। तो जैसे मैंने आपको बताया, हमारे कॉलीग इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको देंगे। तो हमें सबसे पहले उनको ये बात बतानी है कि ऑल इज नॉट लॉस्ट, हमारे पास 10 से 20 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा वर्थ के डॉक्यूमेंटेड रिसोर्सेज हैं। हमने मिलजुल कर एक दूसरे का और इंशाल्लाह पूरी कौम का दिल बड़ा करना है, उनको हौसला देना है। नेगेटिव बातें करते रहेंगे तो नेगेटिव बातें सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट्स ही लेके आ सकती हैं। सिर्फ पॉजिटिव चीजों पर गुफ्तगू और पॉजिटिव चीजों पर फोकस ही इंशाल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आएगा। डिनर्स पे, फैमिली गेट टुगेदर्स पे, लंच ब्रेक्स में, टी ब्रेक्स में अक्सर मैं और आप ये देखते हैं कि हम किसी नेगेटिव इवेंट के बारे में बात करते हुए अक्सर साथ मुल्क को भी रगड़ देते हैं। हमारा प्रिंसिपल ये होना चाहिए
कि कंडेम द एक्ट एंड नॉट द कंट्री। मिसाल के तौर पे सियालकोट इंसिडेंट को भी आप ले लें, इट्स बहुत बहुत बुरा हुआ और इट वाज जो लोग उसके जिम्मेदार हैं उन्हें कैपिटल पनिशमेंट्स मिलनी चाहिए ताकि एक मिसाल कायम हो। लेकिन बात यह है कि इस किस्म के वाकयात इंडियन गुजरात में भी हुए, जो कि अगर आप उसकी वीडियो देखें तो वो इससे बहुत ज्यादा खौफनाक है। मेक्सिको में लिंचिंग हुई, शिकागो में हुई, पेरिस में राइट्स हुए, उन सब जगहों पे वहां पे वहां के लोगों ने उस एक्ट को जो है वो बड़ा सिवियरली कंडेम किया और उन्होंने कहा कि जो ये लोग कर रहे हैं हमारे मुल्क को बुरा नाम दे रहे हैं और इनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि जी फ्रांस एक फेल्ड कंट्री है या ये चीज सिर्फ फ्रांस में ही होती है। तो कहने का मतलब ये, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक सबसे एक अजीब सा एक प्रोपेगेंडा तो सबसे पहले एक ये चलता है कि शायद ऐसे वाकयात सिर्फ पाकिस्तान में ही होते हैं। हम ये हरगिज नहीं कह रहे कि अगर कहीं और होते हैं तो यहाँ पे जस्टिफाइड है, बिल्कुल किसी सूरत भी जस्टिफाइड नहीं है और जो जो, जो उसमें शामिल है उनको कैपिटल पनिशमेंट्स मिलनी चाहिए। लेकिन यार कम से कम अपने मुल्क को तो बुरा मत कहो, सिर्फ उन लोगों का जिम्मा है जो कि और उनको सजा मिलनी चाहिए। अब इसकी मिसाल ये है कि अमेरिका में आज भी बहुत सारे दूसरे मुल्कों के मुकाबले में बहुत ज्यादा क्राइम रेट है, यानी वहां बहुत सारे हर किस्म के क्राइम्स और मुल्कों से ज्यादा होते हैं। लेकिन अमेरिकन्स अपनी लंच ब्रेक्स या अपनी गेट टुगेदर्स में हर वक्त इसके बारे में तो बात नहीं करते रहते, और बहुत सारी चीजें हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। हमें फोकस करना है बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स में जो हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं। मिसाल के तौर पे अब्दुल सत्तार ईदी साहब को भी इसी कौम ने सपोर्ट दी है और उन्होंने माशाल्लाह इतना अच्छा काम इस कौम की सपोर्ट के साथ इतने सालों में किया है कि अब उनको नोबेल प्राइज मिलने के बारे में बातचीत हो रही है। इसी तरह अगर आप एजुकेशन में देखें तो उसमें केयर फाउंडेशन, सिटीजन फाउंडेशन और कई और ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनके बारे में पॉजिटिव बात होनी चाहिए। सिमिलरली अगर आप हेल्थ के शोबे में देखें, उसमें इमरान खान साहब हैं, उसमें और कई और जैसे हमारे सिंगर्स इंस्पायर हुए, उसमें अबरारुल हक हैं, उसमें जवाद हैं, उसके अंदर शहजाद रॉय है। सो बहुत सारे लोग इन फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर इसी कौम में से एहसामुल हक कुरैशी जैसे लोग भी पैदा हो रहे हैं। अब एहसाम की अगर आप मिसाल दें तो उन्होंने पिछले 15 साल के जो उनका सफर रहा टेनिस के अंदर, उसमें वो बंदा उसके अंदर माशाल्लाह एक लगा रहा, एक अपनी उसने एक जो है जिद्दोजहद जारी रखी, और उसका जब उसका मोमेंट ऑफ ग्लोरी आया तो उसने उस वक्त ये नहीं कहा कि जी मुझे सपोर्ट नहीं दी गई, या उसने सिर्फ कोई अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए बात नहीं की, उसने अपने मुल्क के बारे में पॉजिटिव बात की। तो ये सब कुछ भी तो इसी कौम में से हो रहा है। पाकिस्तान इमेज बिल्डिंग फोरम की जो ये कैंपेन है विच इज द स्पिरिट ऑफ पाकिस्तान, इसके अंदर हम आप लोगों को अपने मेंबर्स को मोटिवेशनल वीडियो क्लिप्स देंगे, हम आपको करंट अफेयर्स के अंदर पाकिस्तानियों के अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में एसेज, आर्टिकल्स और फोटोग्राफ देंगे। और उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप फेसबुक पे अपनी गुफ्तगू में, बहुत सारी ड्राइंग रूम डिस्कशंस होती हैं, बहुत सारे ओकेजन्स के ऊपर लोग बात करते हैं, वहां पे आप एक एजेंट ऑफ होप के तौर पे वो अच्छा इम्प्रेशन, अच्छी चीजों के बारे में गुफ्तगू करें ताकि एक चेंज आए लोगों के अंदर, एक पॉजिटिव फीलिंग, एक होप पैदा हो। अब अगर हम फ्लड रिलीफ को इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो ये फ्लड्स थे और फ्लड्स का एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में नुकसान हुआ, तो फ्लड रिलीफ के अंदर कौम ने कौम बन के दिखाया है। उसके अंदर लोगों ने गवर्नमेंट की डिलीवरेंस का या फॉरेन एड का इंतजार नहीं किया, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स ने, इंडिविजुअल्स ने मिलके उन 2 करोड़ लोगों को बचाने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक उनको बचाया और उनकी मदद की। यहां तक ये माशाल्लाह इतनी अच्छी ये एफर्ट थी कि न्यूज़वीक जैसा मैगजीन भी मजबूर हो गया और उनका एक आर्टिकल है जिसमें, जो कि रिसेंटली आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानीज आर द ब्रेवेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। तो ये सारी चीजें भी तो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं जिनको हमें हर सूरत में अपनी गुफ्तगू में और अपनी डिस्कशंस में शामिल करना चाहिए। इस शॉर्ट वेबकास्ट का ये सिलसिला जी इंशाल्लाह जारी रहेगा और वी विल हम जो है आपको इनकरेज करते हैं कि आप हमें ईमेल्स करें, आप अपने व्यूज दें, अपनी वेबकास्ट हमें भेजें पाकिस्तान के बारे में। और आप क्या समझते हैं कि व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ पाकिस्तान? आई एम द स्पिरिट ऑफ पाकिस्तान।